ने हमारी बच्ची की रक्षा करना। ब्रह्मांड की समस्त काली शक्तियों, देवरी वापस आ गया है। देवरी को पता चल गया था कि हम आने वाले, इसलिए जानबूझकर उसने ऐसा किया ताकि मंदिर ना जा सके। हे माता रानी, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। तेरी रगों में हमारा खून तो है ही, अब अपनी तासीर भी तुझ में भर देते हैं। तुझे भी हमारी तरह शैतान का उपासक बनाकर, शैतान का उपासक। मंचिबा, मिट्टी, आज के बाद तू वही करेगी जो हम चाहेंगे। हम क्या हो रहा है? हमारी सेना कैसी होगी, कहाँ होगी वो? मंजीबा, फुल यू। हेलो हेलो कली, यू जगराता बीच में छोड़कर तुम और पिशिमा कहाँ चली गई? यू का हम नैना को ढूंढने निकले थे। नैना को ढूंढने? पर वो तो यहाँ पे है हम सबके साथ। हाँ हम अभी आते हैं। क्या हुआ कली? मंजीबा नैना घर पर है। चलिए ठीक है, हमें क्या हुआ है? पर आप लोगों को ऐसा क्या लगा कि नैना ठीक नहीं है? बताते हैं। माता दी।
यही क्या कर रही हो? कली, कर रही है लड़के? अभी अभी वो मौत के मुंह से निकले हैं ना, तो क्या फिर से मारना चाहती हो उनको? हम तुमसे बात कर रहे हैं दुल्हनिया। नंदू, नंदू आप गलत समझ रहे, ये यहाँ पर नहीं थे। क्या गलत समझ रहे हैं? हम गलत समझ रहे हैं? वो यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे? उधर ही बैठे हुए थे ना? नंदू वो इनकी माया भी छवि थी, वो नैना को लेकर चले गए थे। ये कहाँ कह रही हो तुम दुल्हनिया? माया भी छवि, मायावी छवि? इका है? नंदू हमारा यकीन करिए। हमको नहीं करना तो हमारा यकीन। ऊपर नैना सो रही थी, हम खुद गए नैना को लेने, नीचे प्रसाद दिलवाने के लिए, फिर कैसे कैसे यकीन कर सकते तो हम? नंदू पर चुप। एकदम चुप। हमको कुछ और नहीं सुनना है दुल्हनिया। अब एक और शब्द भैया के प्रति अगर तुमने बोला तो हम कह देते हैं अब मां की सौ, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। भैया भैया नैना पवित्रा, चलो हम आपको अपने कमरे में लेके चलते हैं। ये आरोप लगाता है, दूसरा मना करता, दिमाग खराब कर दिया। बच गए, बाल बाल बच गए हम। समय रहते उस धागे की शक्तियों को तोड़ दिया और घर वापस आ गए, वरना आज तो हमारा भेद खुल ही जाता। भैया काहे जा रहे हैं? रुक जाइए भैया। भैया नंदू, अब हमारा इस घर में रहना ठीक नहीं है। हमारी वजह से इस घर के सदस्यों के बीच दरारें पड़ रही हैं। हमारा यहां से जाना ही ठीक रहेगा। भैया मेरी बात तो सुनो। भैया नैना, नैना कहाँ जा रहे हो? नैना अंकल ये लो चॉकलेट, पर आप प्लीज मत जाओ। मैं रोज आपसे अपनी चॉकलेट शेयर करूंगी, पर प्लीज मत जाओ। यहाँ सबको लगता है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। नहीं अंकल, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, फ्रेंड्स। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धन्यवाद।
तुमने बहुत अच्छा किया नैना, अब बड़े पापा कहीं नहीं जाएंगे। हम सच में नैना का अहित नहीं चाहते, हमारा विश्वास कीजिए। सफाई से झूठ बोल देना तो आपकी कला है, पर हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। हम जानते हैं आपका क्या मकसद है, बस सबूत नहीं हमारे पास आपका गुनाह साबित करने के लिए। और हाँ, नैना ने आपको अंकल बुलाया क्योंकि हमने उसे ऐसे संस्कार दिए, कोई गलत फहमी मत रखना। भैया, आपकी और नैना की दोस्ती होगी, हम बहुत खुश हैं भाई। अब हमका छोड़ने की बात कतई ना करना। कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। मंजीमा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है नैना ने देवरी को क्यों रोका। पता नहीं कली, हमें लगता है सबसे नजर बचाते हुए उसने चोरी चोरी नैना का भरोसा जीत लिया है, और अब नैना उसे पसंद करने लगी है। नहीं मंजीमा, ऐसा नहीं हो सकता। हम हर पल नैना पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। तो फिर ठीक है, इस बात की छोटी सी परीक्षा लेनी होगी, ये देखने के लिए कि देवरी ने नैना पे क्या असर किया है। मंजीमा, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? पवित्रा को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं कली, पवित्रा को कुछ नहीं होगा। बस ये पता करना होगा कि आखिर नैना के साथ देवरी ने किया क्या है। हे राम जी, हमारी बच्चियों की रक्षा करना। लगता है नैना पवित्रा को नहीं बचाएगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब कौन बचाएगा तेरी पवित्रा को, तेरा भगवान? देवरी फिर से फेल हो गया। जागो नैना, जागो नैना। जागो नैना, जागो। जागो नैना।
लगता है हमारी क्रिया काम नहीं कर रही है। नैना तक हमारी बात पहुंच नहीं रही और कल उसने पवित्रा को भी डूबने से बचाया। हमारी बात उस तक पहुंच नहीं रही है, हमारी क्रिया काम नहीं कर रही है। नैना जागो, जागो नैना, हमारे पास आओ नैना, जागो नैना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ नैना। नैना, नैना, नैना कहाँ चली गई? आओ नैना। आओ। अंकल आप यहाँ? हम यहाँ कैसे आए? आप यहाँ हमारे पास हमारे साथ खेलने आई हो, खेलोगी ना हमारे साथ? तो फिर चलो एक खेल खेलते हैं। पर कौन सा खेल? बताते हैं, आओ हमारे साथ। तो खेल ये है कि हम आपकी हथेली में यहाँ पर कुछ बनाएंगे और आपको अपनी आंखें बंद करके ये अनुमान लगाना है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है? ओके। आंखें बंद। अगर इस पंख का रंग बदल गया, इसका मतलब है हमारी क्रिया सफल हो रही है। सो रहे थे जब अचानक से आँख खुली तो हम यहाँ आ गए। हम इसके साथ खेल नहीं सकते हैं क्या? हम जानते हैं इसमें भी तुम्हारी कोई चाल छुपी है और हम तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे।